हेलो 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 वेलकम 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 हाँ जी क्या हाल चाल सब बढ़िया चका चक तो मैं आपका दोस्त और होस्ट अर्जुन जगवानी आज अपन डिस्कस करने वाले हैं आई फिजिक्स 2023 पेपर सॉल्यूशन जो अभी आपका पेपर आया है ठीक पेपर अभी जो आप दे के आए हैं उसका गर्मा गर्म सोल्यूशन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और देखते हैं सोल्यूशन तो पहले आपके एम हैं एम में फ़र्स्ट है क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस बायर फोर्स अबाउट अ फलक्रम इज कंसिडर्ड टू बी नेगेटिव ओहो ये क्या हो गया तो इट इज कंसिडर्ड टू बी नेगेटिव सेकेंड वेन द स्पीड ऑफ लाइट स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज डबल देन इट्स काइनेटिक एनर्जी इज फोर टाइम्स ठीक कैसे होता है के इक्वल्स हाफ एम वी स्क्वायर होता है तो अगर आप वी की वैल्यू डबल कर दो ठीक तो वी की जगह अगर आप क्या लिख दो एम इन टू टू वी का होल स्क्वायर यानी डबल कर दी ये टू का क्या हो जाएगा टू का स्क्वायर हो जाएगा फोर सो so, आपकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी फोर इन टू हाफ एम वी स्क्वायर तो फोर टाइम्स हो जाएगी ठीक तो इट बिकम्स फोर टाइम्स तो ये हो जाएगी नेक्स्ट देखते हैं अगला है अगला क्या है भाई द एनर्जी कन्वर्जन इन अ वॉशिंग मशीन एक वॉशिंग मशीन में एनर्जी कन्वर्जन कैसा होता है इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल एक वॉशिंग मशीन में इलेक्ट्रिकल एनर्जी से किस किस में कन्वर्ट होती है मैकेनिकल एनर्जी में विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन सफर मिन मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इन मैग्नेटिक फील्ड इनमें से किस रेडिएशन ने मैक्सिमम डिफ्लेक्शन सफ़र किया है इन मैग्नेटिक फील्ड तो होती है बीटा रेडिएशन हम देखते हैं बीटा रेडिएशन क्या होती है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन सफ़र करती हैं स्पीड ऑफ ब्लू लाइट इन वाटर इज मोर देन ग्रीन लाइट मोर देन ऑरेंज लाइट मोर देन वायलेट लाइट एंड मोर देन रेड लाइट तो इसका होगा ऑप्शन सी मोर देन वायलेट लाइट ठीक है क्योंकि आपका ये ऑर्डर होता है विबग्योर है तो इसमें रेड लाइट की जो स्पीड होती है ये मैक्सिमम होती है वॉयलेट की जो स्पीड होती है ये मिनिमम होती है तो अब भाई जाहिर सी बात है वॉयलेट लाइट से तो ज्यादा ही होगी ब्लू लाइट की स्पीड तो ये हो जाएगा ठीक आगे देखते हैं अ कॉन्केव लेंस प्रोड्यूस ओनली रुको इसको थोड़ा ऊपर कर ठीक? अ कॉन्केव लेंस

फिर नेक्स्ट है नेक्स्ट क्या है इसमें फर्स्ट है टू नोट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सच दैट दे हैव सेम लाउडनेस एंड सेम पिच तो उनकी लाउडनेस और पिच तो सेम है देन द प्रोड्यूज नोट डिफर इन तो हमें पता है अगर दो नोट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से हैं तो उनको हम कैसे पहचानते हैं कैसे आइडेंटिफाई करते हैं फ्रॉम देअर वेव फॉर्म उनका वेव फॉर्म अलग अलग होता है ये मैंने कल की रिविजन क्लास में ये सारी चीज़ें बताई थी वैसे वैन करेंट आई फ्लो थ्रूर रस ऑफ आर इन टाइम टी देन द इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस इज गिवेन बाई आई स्क्वायर आर टी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है वो किस फॉर्मले से दी जाती है आई स्क्वायर आर टी ठीक आई इस करेंट आर इज रेजिस्टेंस टी इज टाइम फिर अगला है चूज द करेक्ट रिलेशन फॉर ई एम एफ एंड टर्मिनल वोल्टेज दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है इक्वल्स वी ऑलवेज ऑलवेज नहीं होता है वी इज ग्रेटर दैन दी वी इज ग्रेटर दैन एपसाइलेंट ऑलवेज ये भी नहीं होता है वी इज लेस दैन एपसाइलेंट वेन सेल इन इज यूज ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर इफ द स्ट्रेंथ ऑफ द करेंट फ्लोइंग थ्रू वायर इज इंक्रीज देन स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इज इंक्रीज अगर करेंट की स्ट्रेंथ आप इंक्रीज कर रहे हो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज करेगी ठीक

जी फॉर वन डिग्री राइज इन टेम्परेचर ये इस स्टेटमेंट का मतलब है ठीक वन के जी नाइनटीन हंड्रेड जूल वन डिग्री राइज इन टेम्परेचर और एब्जॉर्ब कर रहा है ठीक और राइज इन टेम्परेचर के लिए एनर्जी एबजॉर्ब होती है बहुत लोगों ने ऑप्शन डी मार्क कर दिया होगा ऑप्शन डी गलत है ठीक यहां पे लिखा है वन के जी ऑफ सब्सटेंस एब्जॉर्ब नाइनटीन हंड्रेड ही टू कूल डाउन ठीक तो कूल cool डाउन होने के लिए एब्जॉर्ब थोड़ी करते हैं कूल cool डाउन होने के लिए तो रिलीज करते हैं एनर्जी ठीक है energy, तो ये गलत हो जाएगा बहुत लोगों ने ये भी मार्क करा होगा ये गलत है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स नॉर्मल टू द गिवेन सरफेस देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ज़ीरो डिग्री ठीक अगर आपकी रे ऑफ लाइट नॉर्मल है सरफेस से ठीक तो आपका देखो अगर रे ऑफ लाइट नॉर्मल है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इस केस में क्या होता है जीरो डिग्री होता है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी जीरो डिग्री हुई होता है तो करेक्ट आंसर ठीक इसमें एंगल इज ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो होता है उसकी वजह से ये सिल्वरी अपीयर करते हैं तो ये फिनोमिना है इसमें तो ये आपके एमसी थे ठीक तो अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन टू क्वेश्चन टू है वेन डज द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम टेन टू बिकम रेडियो एक्टिव तो एक न्यूक्लियस जो होता है एटम का रेडियो एक्टिव कब बनता है वो बनता है जब उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर मोर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो किसी न्यूक्लियस में अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज्यादा हो जाए तो आपका न्यूट्रॉन आपका न्यूक्लियस जो है रेडियो एक्टिव बन जाता है यानी अनस्टेबल बन जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम अ सिंगल पुली इन विच डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड एंड एफर्ट इज नॉट सेम एक ऐसा सिंगल पुली बताओ जिसमें डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड एंड एफर्ट सेम ना हो तो इसका आंसर होगा सिंगल मूवेबल पुली ठीक है सिंगल फिक्स पुली लिखा है तो गलत है सिंगल मूवेबल पुली इज द आंसर एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट वन एडवांटेज ऑफ दिस पुली वन एडवांटेज ऑफ दिस पुलिस इज इट एक्ट एज अ फोर्स मल्टीप्लायर तो यह फोर्स मल्टीप्लायर की तरह एक्ट करता है यानी आपको एफर्ट कम लगाना पड़ेगा आप ज्यादा लोड उठा पाओगे मल्टीप्लायर नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट इज द पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ट्राइंगुलर लैमिना तो ट्राइंगर लैमिना की सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी सी जी कहां पर होती है इंटरसेक्शन ऑफ मीडियम पे होती है या सेंट्रॉइड कोई भी नाम ले लो चलेगा दोनों इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन और इसको आप सेंट्रॉइड भी बोल सकते हो कोई दिक्कत नहीं फिर अगला क्वेश्चन है वेन दिस ट्राइंगुलर लैमना इज सस्पेंडेड फ्रीली फ्रॉम एनी वोटिक्स वॉट इज द मूमेंट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस बाई इट्स ओन वेट इन रेस्ट तो ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था बट अगर आप थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाते थोड़ा सोचने की कोशिश करते तो बन जाता कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कह रहा है एक ट्रायंगुलर लैमना है इसे हमने फ्रीली सस्पेंड किया है किसी एक वर्टेक्स पे तो एक बात समझ लो एक ट्रायंगुलर लैमना कुछ ऐसा होगा है ना इससे आप मान लो इस वर्टेक्स पे सस्पेंड कर लो ठीक इस वर्टेक्स पे फ्रीली सस्पेंड कर लो ठीक है अब इसका मास कहाँ लग रहा है मास लग रहा है यहाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये जो यहाँ सी है इस पर आपका ये एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा नीचे की ओर अब कह रहा है कि मूवमेंट ऑफ फोर्स निकालो जब ये रेस्ट पोजीशन पे हो जब वो कहीं भी किसी डायरेक्शन में मोशन ना कर रहा हो तो मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है मूवमेंट ऑफ फोर्स होता है टॉर्क इक्वल्स फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस अब एक बात गौर करना है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है अब देखो यहां पे फोर्स है अब इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस से क्या है ये एक्सिस है ये है एक्सिस ये है फोर्स और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कोई नहीं दोनों की लाइन ऑफ एक्शन सेम है आपका डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका कोई है ही नहीं ठीक है परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ ऐसा डिस्टेंस होता है यहाँ पे तो हम मानते तो इसका जो डिस्टेंस है ये जो एक्सिस की लाइन है और ये जो फोर्स है दोनों के लाइन ऑफ एक्शन सेम है परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा इसलिए यहाँ पे मूवमेंट ऑफ फोर्स ज़ीरो हो जाएगा ट्रिकी क्वेश्चन था कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था तो इसका आंसर हो जाएगा मूवमेंट ऑफ फोर्स रेस्ट पोजीशन में इस ट्रायंगुलर लैमिना का जीरो अगर आप सोचो कि भाई मैं इस एक्सिस पे ना सस्पेंड करके इस एक्सिस पे कर दूं कोई बात नहीं ये ट्रायंगुलर लैमिना फिर थोड़ा ऐसे हो जाएगा ठीक है ये ट्रायंगुलर लैमिना हवा में तो ऐसे लटका नहीं रहेगा ना इस डायरेक्शन में फिर ऐसे ट्राइंगर लैमिना सस्पेंड हो जाएगा बनेगा भाई ठीक है तो फिगर वही बनना तो इसका डायरेक्ट आंसर आपको लिख देना था जीरो आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये क्वेश्चन है ये क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं क्वेश्चन है डायग्राम शोज व्हील पविटेड एट पॉइंट ओ एक डायग्राम है जिसमें ये व्हील इस पॉइंट पे पेविटेड है ठीक है थ्री इक्वल फोर्सेस एफ वन एफ टू एफ थ्री एक्ट एट पॉइंट बी तो फोर्सेस कैसे इक्वल हैं पर डायरेक्शन अलग है ठीक एक फोर्स से एफ वन इस डायरेक्शन में एक फोर्स से एफ टू इस डायरेक्शन में एक फोर से इस डायरेक्शन में ठीक क्वेश्चन है विच फोर्स विल प्रोड्यूस मैक्सिमम मोमेंट अबाउट ए मैक्सिमम मूवमेंट यानी मैक्सिमम टॉर्क टॉर्क का फॉर्मूला जान लो भाई फोर्स इन टू डिस्टेंस ठीक है भाई ये होता है टॉर्क अब इसमें कह रहा है कौन सा फोर्स मैक्सिमम टॉर्क प्रोवाइड करेगा तो देखो इसको ऐसे करना था इसको यहाँ से अबाउट ए ठीक तो अबाउट ए देखो ये फोर्स का डायरेक्शन ये है ठीक और ए के अबाउट चाहिए तो ये डिस्टेंस देख लो ये डिस्टेंस ले लेते हैं डी वन डिस्टेंस एफ वन के लिए ये फोर्स ले लो इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये ले लो d2 ठीक और ये फोर्स ले लो f3 इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लो d3 तो तुम खुद देखो f1 के लिए जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा d1 सबसे ज्यादा है फिर d2 उससे कम है एंड d3 उससे भी कम है तो यानी देखो d1 डिस्टेंस सबसे ज्यादा है इसलिए टॉर्क सबसे ज्यादा f1 फोर्स का होगा ठीक सबके लिए ये होगा ना टाउ वन इक्वल एफ वन इन डी वन एफ टू इंटू डी टू तो एफ वन देखो फोर्स सब में सेम रहेगा डिस्टेंस बदलेगा तो डिस्टेंस सबसे ज्यादा किसका है परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी वन विच इज ऑफ फोर्स एफ वन तो एफ वन के लिए मोमेंट ऑफ फोर्स विल बी ग्रेटेस्ट ठीक तो विच फोर्स विल प्रोड्यूस मैक्सिमम मोमेंट तो इसका आंसर लिख लेना फोर्स एफ वन एफ वन विल प्रोड्यूस मैक्सिमम मूवमेंट आप सेकेंड पार्ट ने पूछ रहे तो आंसर का जो रीजन हो जाएगा दैट विल बी बिकॉज फॉर एफ वन फोर्स द परुलर डिस्टेंस इज द मैक्सिमम ठीक तो ऐसे लिख लो फॉर एफ वन फोर्स परुलर डिस्टेंस इज मैक्सिम ठीक तो इसका मूवमेंट ऑफ फोर्स भी मैक्सिमम हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन क्या है अगला क्वेश्चन है वॉट शुड बी द एंगल बिटवीन डिरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट फॉर वर्क टू बी नेगेटिव तो वर्क का फॉर्मूला होता है एफ इंटू एस कॉस थीटा तो ये थीटा की वैल्यू क्या हो कि आपका वर्क नेगेटिव आ जाए तो इसका आंसर डायरेक्ट लिख दोगे एंगल कितना होना चाहिए 180 एट्टी डिग्री हम लोगों ने रिविजन क्लासेस में भी डिस्कस किया था ठीक कि अगर एंगल 180 एट्टी डिग्री है तो आपका वर्क डन नेगेटिव आता है फिर नेम द फिजिकल क्वांटिटी ऑप्टेंड बाय यूजिंग द फॉर्मूला यू अपॉन एच फॉर्मूला है यू अपॉन एच वेयर यू इज द पोटेंशियल एनर्जी एंड एच इज़ द हाइट तो आपको पता है यू क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है एम जी अब आपको कह रहा है ये जो क्वांटिटी है यू अपॉन एच ये क्वांटिटी क्या है इसका नाम पूछ रहे हैं तो देखो अगर आप फॉर्मूला लिखो यू की वैल्यू लिखो एम जी एच अपॉन एच एच से एच कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या क्वांटिटी कौन सी बच रही है एम जी एम इंटू जी क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स अगर सिर्फ फोर्स लिखोगे तो देर इज लेस चांस कि आपको नंबर मिले आपको यहाँ साफ साफ लिखना पड़ेगा ग्रेविटेशनल फोर्स या फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी ठीक या ग्रेविटेशनल मार्स वगैरह तो इस वग, इस लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा तो करेक्ट आंसर विल बी ग्रेविटेशनल फोर्स फिर फिफ्थ क्वेश्चन इज कैलकुलेट पार स्पेंट बाई क्रेन लिफ्टिंग अ लोड ऑफ मास टू थाउजेंड के जी एट अ वेलासिटी ऑफ वन पॉइंट फाइव मीटर पर सेकेंड वेयर जी की वैल्यू इज टेन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये तो क्वेश्चन डायरेक्ट है इसमें आपको पार निकालनी है ठीक पार निकालनी है आपको मास दिया है टू थाउजेंड के जी एंड वेलासिटी दी है वन पॉइंट फाइव मीटर पर सेकेंड एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दी है टेन तो यहाँ पे निकाल लोगे पार का फॉर्मूला होता है W अपॉन T ठीक यहां पर तुम्हारा पार का फॉर्मूला एक और होता है पार का फॉर्मुला होता है फोर्स वेलोसिटी ये भी एक होता है पार का तो यहां सा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स तो ये लिख लोगे मास इंटू ग्रेविटी ठीक फोर्स हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स और वेलोसिटी वेलोसिटी 1.5 तो मास लिखा 2000 थाउजेंड एक्सिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिखी 10 और 1.5 कैलकुलेट कर लो ये 1 into 2 हो जाएगा, 3. और एक दो तीन चार तो 30, 30, लिखो या 30 किलो भी लिख सकते हो तो ये आंसर हो जाएगा ठीक 30 किलो वॉट तो ये आंसर है आपका 30,000 थाउजेंड वॉट लिखो या 30 किलो वॉट लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई देख लेते हैं अब मेटल फुट रूल ज हेल्ड एट एज ऑफ द टेबल इट इज प्रेस्ड एट इट फ्री एंड एंड देन रिलीज इट वाइब्रेट एक मेटल रूलर है ठीक उसको आपने एक टेबल पे फिक्स किया और उसको एक फ्री एंड को वाइब्रेट किया ठीक उसके बाद रिलीज कर दिया उसके बाद छोड़ दिया तो पहले बताओ वाइब्रेशन कौन सी प्रोड्यूस हुई तो यहाँ पे लिखोगे डैम्पड वाइब्रेशन ठीक फ्री वाइब्रेशन नहीं होंगे फ्री वाइब्रेशन होता है वैक्यूम में डैम्प्ड वाइब्रेशन होगा ठीक डैम्प्ड वाइब्रेशन फिर स्टेट वन वे टू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस वाइब्रेशन तो मैंने बताया था फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू लेंथ है ना फ्रीक्वेंसी होती थी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती लेंथ के रिस्पेक्ट में तो अगर आप ये जो फ्री एंड और रूलर का एज है उसकी मतलब फ्री एंड और इस टेबल का जो एज है उसके बीच की जो लेंथ है उसको आप डिक्रीज करोगे तो फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होगी और अगर उस लेंथ को आप इंक्रीज करोगे तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी अब ये पूछ क्या रहे हैं फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने के लिए पूछ रहे हैं तो आपको लेंथ डिक्रीज करनी पड़ेगी तो यहां आप लिख दोगे लेंथ बिटवीन फ्री एंड एंड एज ऑफ टेबल विद डिक्रीज ठीक लेंथ बिटवीन फ्री एंड एंड एज शुड बी डिक्रीज्ड आगे देखो अ गीज़र इज रेटेड 240 फोर्टी वॉट टू ट्वेंटी वोल्ट एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट इसका मतलब क्या होगा यानी इसकी पार कितनी है 240 फोर्टी वोट है टू फोर्टी वॉट है और इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है मतलब कितने पोटेंशियल पे ऑपरेट हो रहा है 220 ट्वेंटी वोल्ट तो इसको लिखोगे इसका इसका स्टेटमेंट वाइज लिखनी थी इसका स्टेटमेंट लिखते गीजर विल बी गीजर विल कंज्यूम गीजर विल कंज्यूम टू फोर्टी वॉट या टू फोर्टी जूल ऑफ टू फोर्टी जूल इन वन सेकेंड ठीक टू फोर्टी वॉट का मतलब होता है टू फोर्टी जूल पर सेकेंड है ना यही वॉट की एक और यूनिट होती है जूल पर सेकेंड तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो तो टू फोर्टी जूल इन वन सेकेंड वेन ऑपरेटेड एट वेन ऑपरेटेड एट टू ट्वेंटी वोल्ट तो टू ट्वेंटी वोल्ट जब ऑपरेट करेंगे तो टू फोर्टी जूल इन वन सेकेंड यानी 240 फोर्टी वॉट कंज्यूम करेगा पार ठीक तो ये इसको लिखना था अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है भाई क्वेश्चन नंबर थ्री है इज इट पॉसिबल फॉर अ कॉन्केव लेंस टू फॉर्म एन इमेज ऑफ साइज टू टाइम्स दैट ऑफ ऑब्जेक्ट ये क्वेश्चन हमने लेजिट क्लास में जब हम लोग रिविजन क्लास आखिरी में पढ़ रहे थे ऑप्टिक्स की तो हमने लेजिट एग्जैक्ट यही क्वेश्चन डिस्कस किया था तो इज इट पॉसिबल फॉर कॉन्केव लेंस टू फॉर्म साइज ऑफ टू टाइम्स दैट ऑफ ऑब्जेक्ट तो इसका आंसर होगा नो कॉन्केव लेंस बड़ी इमेज बना ही नहीं सकता आंसर नो लिखोगे वॉट विल हैपन टू द फोकल लेंथ इफ लेंस इफ अ पार्ट ऑफ लेंस इज कवर्ड विद ओपेक पेपर अगर आप लेंस का थोड़ा सा पार्ट पेपर से कवर कर दो तो उसकी फोकल लेंथ में क्या होगा इफेक्ट कोई इफेक्ट नहीं होगा फोकल लेंथ आपके पेपर लगा देने या नहीं लगा देने से फर्क नहीं पड़ता है ठीक फोकल लेंथ में नो no चेंज आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये क्या है विच इलेक्ट्रिकल कॉम्पोनेंट प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रिक सर्किट इन केस ऑफ एक्सेस करेंट एंड विच कैन ऑल्सो बी यूज एज स्विच क्वेश्चन समझ लो पहले क्वेश्चन like पूछ रहा है ऐसा कौन सा इलेक्ट्रिकल कॉम्पोनेंट है जो इलेक्ट्रिक सर्किट को बचाता है एक्सेस करेंट के केस में और उसको हम लोग स्विच की तरह भी यूज़ कर सकते हैं तो ऐसा आपके घर में इलेक्ट्रिकल कॉम्पोनेंट लगा होगा अगर गौर से देखा हो एम ठीक है तो एम इसका आंसर लिख देते फिर नेम द वायर टू विच दिस इलेक्ट्रिकल कॉम्पोनेंट इज कनेक्टेड तो ये एम किस वायर में कनेक्ट करी जाती है लाइव वायर में तो ये आंसर हो जाएगा फिर थर्ड क्वेश्चन इज़ अ कॉपर कंडक्टर इज प्लेस्ड ओवर टू स्ट्रेच कॉपर वायर्स सॉरी हुज एंड्स आर कनेक्टेड टू अ डीसी सप्लाई एज शोन इन दाम फिर उसके बाद कंडक्टर इज प्लेस्ड ओवर टू स्ट्रेस्ड कॉपर वायर्स ठीक ये कॉपर कंडक्टर है ये दो कॉपर की स्ट्रेस्ड वायर्स है तो इस पे कॉपर कंडक्टर लगा दिया है अब इसको डीसी सप्लाई से कनेक्ट कर दिया है वॉट शुड बी द मैग्नेटिक पोल्स एट पॉइंट ए एंड बी लाइंग ऑन इधर साइड ऑफ कंडक्टर टू एक्सपीरियंस अ फोर्स इन अपर डायरेक्शन फोर्स लग रहा है ऊपर के डायरेक्शन में तो मान लो ये कंडक्टर है इस पर फोर्स लग रहा है ऊपर के डायरेक्शन में यानी ऊपर की तरफ ठीक तो फोर्स इसको निकालोगे ये डायरेक्शन निकालोगे बाई यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल तो फोर्स लग रहा है ऊपर के डायरेक्शन में थम्ब को करो ऊपर अब देखो डी सी सप्लाई है ये पॉजिटिव टर्मिनल है ये नेगेटिव टर्मिनल तो करेंट कुछ ऐसा फ्लो कर रहा होगा है ना अभी यहाँ से करेंट फ्लो करने लगेगा तो करंट इस कॉपर कंडक्टर से भी फ्लो करेगा और ऐसे जाने लगेगा ठीक तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो देखो फोर्स है ऊपर अब करंट है नीचे की तरफ फोर्स ऊपर लग रहा है मतलब ऊपर की तरफ मैं अगर बोलूँ तो बाहर ठीक करंट नीचे की ओर लग रहा है मिडिल फिंगर करंट डिनोट कर रही तो जो फर्स्ट फिंगर है ये डिनोट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड तो मैग्नेटिक फील्ड किधर लग रहा है इस तरफ ऐसे चल रही मैग्नेटिक फील्ड ठीक ये चल ली मैग्नेटिक तो ये मैग्नेटिक फील्ड चल रही तो ये अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चल इसका मतलब है रुको इसको दूसरे कलर से बना देता हूं मैग्नेटिक तो फील्ड कैसे चल रही इस डायरेक्शन में इसका फील्ड मतलब है ठीक तो यहां पे लिख देना पॉइंट ए पे नॉर्थ पोल की तरह एक्ट करेगा पॉइंट बी पे साउथ पोल नेम द लॉ यूज टू फाइंड दिस पोलैरिटीज़ कौन सा लॉ यूज किया हमने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ठीक हमने उसी को यूज किया आगे देखो ठीक ये लिख लेना थर्मल कैपेसिटीज ऑफ सब्सटेंस ए एंड बी आर सेम है. है, दो सबस्टेंस की सेम है तो सी एपिटल सी एंड कैपिटल सी बी दोनों की सेम होती है तो थर्मल कैपैसिटी का फॉर्मूला होता है थर्मल कैपेसिटी का फॉर्मूला याद है सी इक्वल एम इन टू स्मॉल सी है ना यही होता है तो तो दो सबस्टेंस की थर्मल कैपेसिटी सेम है यानी एम ए मास ऑफ ए इंटू स्पेसिफिक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए इक्वल्स मास ऑफ बी इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ बी तो ये दोनों में सेम है ठीक है भाई अब कह रहा है ये थर्मल हीट कैपेसिटी सेम है यानी सी ए कैपिटल सी ए और कैपिटल सी बी सेम है ठीक ये समझना तो हमने ये एम इंटू सी ए लिखा है एम इंटू सी बी लिखा है ये स्मॉल सी ए ठीक और ये कैपिटल सी है इसको सीडा से डिनोट कर देता हूं ठीक विच विल हैव मोर स्पेसिफिक तो ए के पास अब कह रहा है ए का मास ज्यादा है एक इंफॉर्मेशन ये दे दी कि मास ऑफ इज़ ग्रेटर देन मास ऑफ़ तो ये रेशियो निकाल लो यहां से यहां से रेशियो निकालोगे यहां से रेशियो निकालो तो ये एम ए अपॉन एम बी ये हो जाएगा सी बी अपॉन सी ए ठीक अब कह रहा है ए का मास ज़्यादा है तो देखो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया कह रहे विच विल हैव मोर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसकी ज़्यादा होगी तो तुम देख सकते हो यहां से इनवर्स रिलेशन है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मास का इनवर्स रिलेशन है तो अगर मास ए का ज़्यादा है तो ए की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होगी और बी का मास कम है तो बी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा होगी तो यहां पे ज़्यादा पूछिए तो लिख दोगे बी विल हैव बी विल हैव मोर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बी विल हैव मोर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ठीक मोर स्पेसिफिक कैपेसिटी, ये लिख लेना फिर विथ सब्सटेंस विल शो ग्रेटर राइज इन टेम्परेचर इफ द सेम अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई टू बोथ अगर दोनों पे हमने सेम अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करी है ए पे भी उतनी हीट बी पे उतनी हीट तो अब तुम खुद देखो इसको क्या लिख सकते हो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो मास इन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनटू डेल्टा टी ए के लिए इक्वल्स मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनटू डेल्टा टी ये बी के लिए ठीक भाई क्यू ए का फॉर्मूला लिख लिया एम सी डेल्टा टी क्यू बी का फॉर्मूला लिख लिया एम सी डेल्टा टी ठीक अब तुमने ऊपर देखो क्वेश्चन में एक चीज दी गई थी ये एम ए इंटू सी एम बी इंटू सी बी यानी ये दोनों वैल्यूज इक्वल हैं यानी ये जो दो वैल्यूज हैं ये दोनों क्या है इक्वल तो कैंसिल कर लोगे अब तुम खुद देखो डेल्टा टी दोनों केसेस में ए के केस में और बी के केस में दोनों में डेल्टा टी क्या आ रहा है इक्वल आ रहा है दैट मींस दैट देर विल शो ग्रेटर राइज इन टेम्परेचर तो दोनों में सेम राइज इन टेम्परेचर होगा यहाँ पे क्वेश्चन में ये है ठीक बोथ विल शो सेम राइज इन टेम्परेचर बोथ विल शो सेम राइस इन टेम्परेचर दोनों सेम राइस शो करेंगे टेम्परेचर में अब कह रहा है हाउ इज रेडियो एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप एफेक्टेड बाई एक सेकेंड क्या है एफेक्टेड इफ इट अंडरगोज अ केमिकल चेंज गिव रीजन फॉर योर आंसर तो इसको क्या लिखेंगे अपन देखो रेडियो एक्टिविटी का मैंने बताया था जब हम लोगों ने रेडियो एक्टिविटी कल पढ़ रहे थे तब वहाँ पे बीच में एक छोटा सेगमेंट आया था जब मैंने बताया था फिजिकल और केमिकल चेंजेस की वजह से रेडियो एक्टिविटी पे कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि रेडियो एक्टिविटी एक न्यूक्लियर फिनोमिना है तो यहाँ पे वैसा ही क्वेश्चन आ गया हाउ इज़ द रेडियो एक्टिविटी ऑफ रेडियो आइसोटोप अफेक्टेड इफ इट अंडर गोज द केमिकल चेंज अगर हम एक आइसोटोप पे केमिकल चेंज डालें तो उसकी रेडियो एक्टिविटी पर क्या इफेक्ट आएगा तो यहाँ पे आंसर लिख दोगे नो no चेंज ठीक केमिकल चेंज होने से रेडियो एक्टिविटी पे इफेक्ट नहीं होता रीजन रीजन क्या लिखोगे बिकॉज रेडियो एक्टिविटी इज अ न्यूक्लियर फिनोमिना एंड केमिकल चेंजेस आर एटॉमिकल फिनोमेना एटॉमिकल फिनोमेना ना लिखो तो इसको सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हो केमिकल चेंजेस अकर इन ऑर्बिट्स ऑफ एटम ठीक है या ऐसा लिख सकते हो केमिकल चेंजेस अकर आउटसाइड द न्यूक्लियस ठीक ऐसा लिख लो बेटर लैंग्वेज ऐसा लिख सकते थे मतलब तुम बेटर लैंग्वेज फ्रेम करके लिख सकते हो तुम्हारे ऊपर है वो लैंग्वेज मतलब वही निकल के आना चाहिए कि केमिकल चेंज न्यूक्लियर फिनमिना में नहीं होती रेडियो एक्टिविटी न्यूक्लियस में होती है तो न्यूक्लियस पे इफेक्ट करती है केमिकल चेंज से न्यूक्लियस पे कोई इफेक्ट नहीं आता ठीक तो केमिकल चेंज हैज नो इफेक्ट ऑन न्यूक्लियस हैज नो इफेक्ट ऑन न्यूक्लियस as रेडियो एक्टिविटी इज अ रेडियो is a nuclear phenomena फिनोमिना ठीक तो लिख देना तो ये आंसर हो जाएगा इसका आगे देखते हैं अब अगले क्वेश्चंस पे सेक्शन बी सेक्शन बी थोड़ा कंपैरेटिवली इजी आया था सेक्शन ए से आई नो ठीक तो सेक्शन ए में अब आप आपका पहला ये डायग्राम है द डायग्राम बिलो शोज द रे ओ पी ट्रेवलिंग थ्रू इक्विलेटरल प्रिज्म ऑफ अ सर्टेन मटीरियल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आई टू इफ द एंगल ऑफ डेविएशन इज फोर्टी थ्री तो कह रहा है इक्वलेटरल प्रिज्म है यानी एंगल ऑफ प्रिज्म कितना होगा सिक्सटी डिग्री इक्विलेटरल प्रिज्म है यानी ए की वैल्यू दी है सिक्सटी डिग्री यहाँ पे आई वन की वैल्यू दी है सिक्सटी फाइव डिग्री डेविएशन की वैल्यू दी है फोर्टी थ्री डिग्री कह रहा है आई टू की वैल्यू निकालो तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है पढ़ा होगा डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ये आ, यहां लिखो डेविएशन इक्वल्स आई वन प्लस आई टू यहां ना लिखना यहाँ लिख लो डेविएशन इक्वल्स आई वन प्लस आई टू माइनस ए तो यहां पे डेविएशन की वैल्यू पता है आई वन की वैल्यू पता है ए की वैल्यू पता है आई टू की वैल्यू निकाल लो तो ये हो जाएगा डेल प्लस ए माइनस आई वन है ना डेल प्लस ए माइनस आई वन इक्वल्स आई टू ठीक तो सारी वैल्यूज रख दो डेल की वैल्यू रखोगे कितनी फोर्टी थ्री ए की वैल्यू रखोगे सिक्सटी माइनस करोगे ये हो जाएगा आई वन आई वन हो जाएगा सिक्सटी फाइव ये हो जाएगा आई टू के इसको सब ट्रैक करके लिख लो ये कितना आ जाएगा वन हंड्रेड थ्री वन हंड्रेड थ्री माइनस सिक्सटी फाइव तो निकाल लो भाई तुम्हारा वन हंड्रेड थ्री और सिक्सटी फाइव ये कितना आ जाएगा एट इन थर्टी एट ठीक तो 38 आ जाएगा I2 की वैल्यू आ रही है 38 डिग्री ठीक हां तो ये हो जाएगा इसका आंसर अब क्वेश्चन का अगला पार्ट कह रहा है वॉट इज द रे क्यू एस कॉल्ड ये जो रे क्यू एस है इसे क्या कहेंगे ये होती है इमरजेंट रे तो ये हो जाएगी इमरजेंट रे तो ये हो गया अब अगला क्वेश्चन देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या है अगला क्वेश्चन है कॉपी द डायग्राम सेकेंड हाँ कह रहा है कॉपी द डायग्राम गिवन बिलो एंड कंप्लीट द पाथ ऑफ लाइट रे पी क्यू एज इट इमर्जेस आउट ऑफ द प्रिज एंड द क्रिटिकल एंगल ऑफ अ ग्रास इज 42 टू डिग्री तो क्रिटिकल एंगल दिया है 42 टू डिग्री पहली बात तो अब कह रहा है इस डायग्राम को कंप्लीट करो तो यहाँ पे देखो ये जो प्रिज्म है यहाँ पे यह जो इंसिडेंट रे है ये नॉर्मल है सर्फेस से तो ये इंसिडेंट रे अनडिफ्लेक्टेड ऐसे ही अंदर चली आएगी जब ये अंदर आएगी तो यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगाना था थोड़ा सा लॉजिक लगाना था क्या ये एंगल कितना हो जाएगा ये भी 90 हो जाएगा ठीक ये 60 डिग्री दिया है और ये एक देखो ट्राइंगल बन रहा है तो ये एंगल क्या हो जाएगा 30 डिग्री अब ये जब 30 डिग्री हो जाएगा ये एंगल क्या हो जाएगा 30 डिग्री अब यहाँ पे एक नॉर्मल बनाओ और ये निकालो ये बन जाएगा अगला एंगल ऑफ इंसिडेंस अब इससे तुम्हें पता चलेगा कि क्या होना है कि तुम्हारा आगे ये क्रिटिकल एंगल से कम है कि ज्यादा है तो ये एंगल निकालो कितना आएगा ये एंगल थर्टी और ये पूरा एंगल नाइन्टी होता है तो नाइन्टी माइनस आ जाएगा ये एंगल ठीक तो नाइन्टी माइनस ये एंगल कितना हो जाएगा सिक्सटी डिग्री ये एंगल हो गया सिक्सटी डिग्री अब ये एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है तो क्रिटिकल एंगल से जब ज्यादा हो तो होता है टोटल तो इंटरनल रिफ्लेक्शन क्योंकि देखो जब आपकी लाइट डेंसर मीडियम में हो और रेरर मीडियम में जाना चाह रही हो तो डेंसर मीडियम में अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है तो यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा मतलब ये सेम एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी ये तो ये एंगल भी सिक्सटी बन जाएगा अब ये एंगल सिक्सटी बना तो ये एंगल कितना बन जाएगा वापस थर्टी डिग्री अब तुम्हें पता है ये एंगल थर्टी ये एंगल सिक्सटी तो ये एंगल कितना बनेगा नाइन्टी और ये एंगल 90 बनेगा तो ये रे अनडिफ्लेक्टेड पास हो जाएगी तो ये डायग्राम बनना था कुछ कुछ ऐसे आपको एंगल मेंशन करने थे ये ऐसे पूरा डायग्राम बनाना था ठीक फिर क्वेश्चन थर्ड है क्वेश्चन थर्ड देखो क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है क्वेश्चन थर्ड बोल रहा है अ डायग्राम बिलो शोस टू पैरल रेज एक ऑरेंज है एक ब्लू है ऑरेंज ब्लू कॉपी एंड पेस्ट द कंप्लीट द पाथ ऑफ रेज ए एंड बी तो ए और बी का पाथ कंप्लीट करो तो देखो एक चीज मैं बता दूं ये जो अगर तुम्हारा ऑर्डर है वेब ग्योर है ना तो इसमें रेड सबसे कम डिफ्लेक्ट होती है वॉयलेट सबसे ज्यादा डिफ्लेक्ट होती है ये बात समझ लेना मिनिमम डिफ्लेक्शन होता है ठीक और इसका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होता है तो उस हिसाब से ही तुम्हें इन दोनों को भी देखना है अब ऑरेंज देखो यहां लाई कर रहा है तो ऑरेंज का डिफ्लेक्शन कम होगा और ब्लू का डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा तो और ये देखो रेयरर से डेंसर जा रही तो लाइट रे टूअर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी तो पहले तो नॉर्मल बनानी थी दोनों में ठीक तो दोनों में हमने क्या बनाई नॉर्मल अब ये ऑरेंज जो आ रही है ये टूअर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाएगी तो ये ऑरेंज जो है टूअर्ड्स नॉर्मल बेंड हो गई ये इसको टूअर्ड्स नॉर्मल बेंड करा दी ठीक बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन नहीं बहुत थोड़ा सा डिफ्लेक्शन है थोड़ा रिफ्लेक्शन दिखा देता हूँ देखो, ठीक हाँ ये सही है इसको थोड़ा और सही बना दू हाँ तो ये हो जाएगा थोड़ा ऐसे ठीक ये थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो गई अब ब्लू का डिफ्लेक्शन ज़्यादा दिखाना ब्लू का डिफ्लेक्शन इससे ज्यादा दिखाने की कोशिश करना तो ब्लू का डिफ्लेक्शन ज्यादा हो गया ठीक दिख रहा है सही नहीं तो थोड़ा और सही से बना लेना तो मतलब समझ गया ना क्वेश्चन में करना क्या है इसका डिफ्लेक्शन कम दिखाना है इसका डिफ्लेक्शन ये है और इसका डिफ्लेक्शन ज़्यादा दिखाना है ये हाँ तो देखो इसका डिफ्लेक्शन ज़्यादा है ये ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो गई ये कम डिफ्लेक्ट हुई है तो ये हो गया फिर हाउ डू द स्पीड ऑफ रेज डिफर इन डिफर इन ग्लास मतलब इन दोनों की जो स्पीड है या ऑरेंज की जो स्पीड है और यहाँ पे जो ब्लू की जो स्पीड है दोनों में डिफरेंस क्या है किसकी स्पीड ज़्यादा होगी किसकी कम तो ये भी तुम्हें मालूम होना चाहिए रेड की स्पीड मैक्सिमम होती है रेड की वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और वॉयलेट की वेलोसिटी मिनिमम होती है तो वहां से समझ जाओ ब्लू की वेलोसिटी कम होगी ऑरेंज की वेलोसिटी ज्यादा होगी तो यहाँ पे लिख देना ऑरेंज की जो स्पीड होगी विल बी ग्रेटर देन रेड की स्पीड सॉरी ब्लू की स्पीड तो यहाँ पे लिख देना वेलोसिटी ऑफ ऑरेंज विल बी ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ ब्लू तो ऑरेंज की वेलोसिटी ज्यादा होगी ब्लू की वेलोसिटी कम होगी आर द टू रिफ्रैक्टेड रेज इन ग्लास पैरल गिव अ रीज़न तुम्हें देखो ये पैरल लग रही पैरल नहीं लग रही देखो आगे जाके ये कहीं ना कहीं मीट कर जाएंगी तो ये पैरल तो नहीं है ठीक तो नो no, पैरल नहीं है रीज़न क्या दोगे बिकॉज दिज बोथ विल हैव डिफरेंट स्पीड इन दिस मीडियम ब्लू की स्पीड अलग होगी और ऑरेंज की स्पीड अलग होगी तो एक पॉइंट पे आके दे विल इंटरसेक्ट ठीक दे हैव डिफरेंट स्पीड दे हैव डिफरेंट स्पीड सो दे विल इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट ठीक सो दे विल इंटरसेक्ट एट सम पॉइंट इन ग्लास ठीक ग्लास में किसी आगे एक पॉइंट पे इंटरसेक करेंगे तो ये हो गया भाई आगे देखो क्वेश्चन फाइव क्वेश्चन फाइव क्या कह रहा है क्वेश्चन फाइव है क्वेश्चन फाइव है कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ टेन सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एक सेकेंड कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ टेन सेंटीमीटर इज प्लेस्ड ना प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ सिक्सटी सेंटीमीटर फ्राम अ स्क्रीन तो एक कॉन्वेक्स लेंस है एक कॉन्वेक्स लेंस है इसे हमने स्क्रीन से स्क्रीन सेन्टीमीटर की दूरी पर रख दिया ठीक इसकी फोकल लेंथ दे दी है टेन सेंटीमीटर ठीक कह रहा है हाउ फार देंस शुड भी हाउ फार फ्राम द लेंस द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस सो हैजटेन अ रियल इमेज हम ऑब्जेक्ट को लेंस से कितने डिस्टेंस की दूरी पर रखें कि हमें इमेज जो यहाँ पे मिले यहाँ पे जो इमेज मिले इस पे स्क्रीन पे ये रियल मिले तो यानी यू की वैल्यू निकालनी बेसिकली तो क्वेश्चन में आपको टेक्निकली गिवन क्या क्या है क्वेश्चन में आपको वी की वैल्यू गिवन है वी की वैल्यू दी है इन्होंने सिक्सटी सेंटीमीटर एफ़ की वैल्यू दी है टेन सेंटीमीटर दोनों का साइन पॉजिटिव लोगे क्यों क्योंकि भाई ये लेंस है सिक्सटी सेंटीमीटर यहाँ है तो ये पॉजिटिव लेंगे हम लोग और फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव लेते हैं तो दोनों का साइन पॉजिटिव लेंगे यू की वैल्यू निकालनी है ये फॉर्मूला यूज करोगे आप लेंस फॉर्मूला ठीक तो यहां पे फॉर्मूला यूज कर दोन एक माइनस वन अपॉन यू यू में साइन कन्वेंशन लगाने की जरूरत नहीं है इसका आंसर अपने आप ही नेगेटिव आ जाएगा तो ये हो जाएगा वन अपॉन यूल सिक्स माइनस वन अपॉइंट टेन इसको सॉल्व करना ठीक इसको सॉल्व करोगे तो आएगा माइनस फाइव पॉइंट सिक्सटी माइनस फाइव पॉइंट सिक्सटी हो जाएगा फिर उसका रेसिप्रोकल करोगे तो आएगा ट्वेल्व तो यू की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे माइनस ट्वेल्व सेंटीमीटर ठीक तो यू की वैल्यू आ जाएगी माइनस ट्वेल्व सेंटीमीटर और यही आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट पार्ट का ठीक तो फर्स्ट पार्ट का आंसर लिख देना ट्वेल्व सेंटीमीटर बिहाइंड द लेंस ठीक तो लिख देना 12 सेंटीमीटर बिहाइंड द लेंस लेंस के पीछे इसीलिए तो माइनस साइन आया है इस, यही बता रहा है बिहाइंड द लेंस ठीक फिर अगला है कॉइन इज केप्ट द वॉटर वेन इट इज व्यूड फ्रॉम अ एयर इन अ वर्टिकल डायरेक्शन इट अपियर्स टू बी थ्री इट अपियर्स टू बी रेस्ड बाई थ्री मिलीमीटर फाइंड द डेप्थ ऑफ कॉइन इन वॉटर तो ये रियल डेप्थ का क्वेश्चन है ठीक तो इसका फॉर्मुला होता है कुछ ऐसा शिफ्ट इक्वल्स शिफ्ट की वैल्यू आपको दी है क्वेश्चन में थ्री मिलीमीटर इक्वल्स रियल डेप्थ डेप्टन माइनस वन अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ इस तरीके से इसका फॉर्मूला होता है तो यहां पे देखो आपको शिफ्ट की वैल्यू गिवेन है क्वेश्चन में शिफ्ट की वैल्यू कितनी दी है थ्री मिलीमीटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है फोर बाई थ्री आपको निकालना क्या है डेप्थ तो रियल डेप्थ निकाल लेना तो यहाँ से शिफ्ट की जगह पे रखोगे थ्री रियल डेप्थ की जगह पे ऐसे ही रहने दो तो वन अपॉन वन वन माइनस वन अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जगह पे रख दो फोर बाई थ्री ठीक फोर बाई थ्री करोगे तो थ्री ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा ऐसे थ्री बाई फोर ठीक अब इसका एल्सियम लेके सॉल्व करोगे तो ये फोर माइनस थ्री वन वन अपॉन फोर आ जाएगा तो ये आ जाएगा थ्री इक्वल्स रियल डेप्थ इन टू वन बाई फोर फोर को उधर ले जाओगे तो रियल डेप्थ आ जाएगा ट्वेल्व अब ट्वेल्व क्या हो जाएगा मिलीमीटर क्योंकि ये हमने मिलीमीटर में ही लिया है तो इसका आंसर भी मिलीमीटर में ही आएगा तो रियल डेप्थ आ जाएगी यहाँ पे ट्वेल्व मिलीमीटर ठीक फिर हाउ इज क्रिटिकल एंगल रिलेटेड टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम तो ये डायरेक्ट रिलेशन होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स वन अपॉन साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल तो ये रिलेशन होता है डायरेक्ट ठीक फिर अगला क्वेश्चन से अगला क्वेश्चन तुम्हारा इन्फ्रारेड रेडिएशन आर यूज इन अ वॉरफेयर एक्सप्लेन विद अ रीज़न वाई तो देखो इंफ्रारेड रेडिएशन आर कहे क्वेश्चन हाँ इन्फ्रा रेड रेडिएशन आर यूज इन वॉरफेयर एक्सप्लेन इन द रीजन वाई इसका सिंपल था कि मतलब इंफ्रा रेड रेडिएशंस इनविजिबल होती हैं इसलिए वॉरफेयर में यूज़ होती हैं एनिमी ना देख पाए ठीक इसका लिख देना बिकॉज दे आर इनविजिबल फिर अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट 45 डिग्री सेल्सियस ऑन एन 45 डिग्री एंड ऑन एन इक्विलेटरल प्रिज्म इन द डायग्राम गिवन बिलो अब ये डायग्राम है ये यहाँ पे देखो ये रेड निकल रही है ये फिर वॉयलेट निकल रही ठीक कह रहा है नेम द फिनना एग्जिबिटेड बाई रे ऑफ लाइट वेन इट एंटर्स एंड इमर्जेस आउट ऑफ द प्रिज तो इसका आंसर क्या होगा बहुत लोगों ने क्या लिखा है इसका आंसर होगा डिस्पर्जन ठीक इसका आंसर होगा

डेविएट एट डिफरेंट एंगल्स ठीक तो इसको ऐसे लिख सकते हो डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट हैिफरेंट वेव लेंथ और डिफरेंट स्पीड दैट इज वाई देवियेट एट डिफरेंट एंगल्स ठीक डिफरेंट कलर्स हैव डिफरेंट वेव लेंथ ठीक तो वेव लेंथ लिख लो या स्पीड भी लिख दो चलेगा और डिफरेंट स्पीड ठीक दैट इज वाई दे डेविएट एट डिफरेंट एंगल्स दैट इज वाई दिस इज द रीजन फॉर डिस्पर्जन यहां पे लिख दो बस इतना लिख दो बहुत है ठीक फिर है क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है अब ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम यहां पे बोला गया है तो अब ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम ऑफ पुलिस विच वेलोसिटी रेशियो फोर तो पहला पार्ट है कि डायग्राम बना दो इसका तो डायरेक्शन ऑफ एफर्ट एंड लोड का तो यहाँ पे डायग्राम बना देना ठीक तो ये ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम कुछ ऐसा बनता है ये दो पुली हो गई ठीक और यहाँ पे एक ये पुली हो गई तो ये कुछ ऐसा सा डायग्राम बनेगा ठीक ये आपका लोड हो गया अब यहाँ पे एफर्ट ये आपकी स्ट्रिंग ऐसे जाती है फिर इस पुली फिर इस, पुली फिर इस पुली में जाएगी फिर इस पुली में जाएगी फिर इस पुली में जाएगी फिर इस पुली में और यहाँ पे हुक डब हो जाएगी है ना इस तरीके से कुछ ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम बनता है और एफर्ट का डायरेक्शन कहाँ होगा नीचे की ओर ये हो गया एफर्ट का डायरेक्शन अब बना दोगे यहाँ पे लोड का डायरेक्शन लोड यहाँ लगेगा नीचे की ओर ठीक एफर्ट और लोड नीचे लग रहा है इस पे टेंशन के डायरेक्शन बनाने थे आपको तो ये टेंशन बना दोगे टेंशन यहाँ लग रहा है एक एक यहां लग रहा है एक यहां लग रहा है एक यहां लग रहा है, लग रहा है। तो सारे आपने टेंशन ये पूरा ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम का डायग्राम हो गया फिर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज इफ द इट इज एन आइडियल पुली अगर आइडियल पुली है तो इसमें मैकेनिकल एडवांटेज भी फोर हो जाएगा आइडियल पुली के लिए मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू उतनी होती है जितने नंबर ऑफ पुलिस हो इसमें नंबर ऑफ पुली चार है तो इसमें मैकेनिकल एडवांटेज चार हो जाएगा आगे देखते हैं अब मीटर स्केल ऑफ वेट अगला क्वेश्चन है अ मीटर स्केल ऑफ वेट 50 जी 50 ग्राम फोर्स कैन बी बैलेंस एट 40 सेंटीमीटर मार्क तो एक 40 सेंटीमीटर मार्क पे ये स्केल बैलेंस करी जा सकती है ठीक है विदाउट एनी वेट सस्पेंडेड ऑन इट मतलब इसमें और कोई हम वेट ना लगाएं तो ये 40 सेंटीमीटर मार्क पे ये रेस्ट करेगी मतलब 40 सेंटीमीटर मार्क पे रेस्ट करी मतलब इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ही फोर्टी सेंटीमीटर पे मार्क पे है ठीक तो यानी ये जो वेट लग रहा है फिफ्टी ग्राम फोर्स ये फोर्टी सेंटीमीटर पे लग रहा है इसकी सी सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहीं पर इफ द रूलर इज कट एट इट सेंटर देन विच पार्ट जीरो टू फिफ्टी या फिफ्टी टू हंड्रेड विल हैव मोर वेट तो किस कौन सा साइड भारी होगा अगर मैं इसको बीच में से काट दूं तो ये वाला साइड भारी होगा कि ये वाला साइड कॉमन सेंस का सवाल था ये इसको कॉमन सेंस भी लगाते तो आ जाता कोई मैथ लगाने की जरूरत नहीं थी इसमें ये वाला साइड भारी होगा क्योंकि देखो यहाँ पे भार ज़्यादा है यहाँ पे भार कम है क्योंकि सारा वेट यहाँ पे मतलब जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे तो ज़्यादा बाहर इस साइड होगा इस साइड बॉडी झुकेगी तो लिख देते हैं इसका जीरो टू फिफ्टी सेंटीमीटर वाला ठीक जीरो टू फिफ्टी सेंटीमीटर इसका मास ज़्यादा है ठीक फिर अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम वेट प्लेस्ड ऑन दिस मीटर रूल कैन बैलेंस दिस रूल विच इज पेविटेड एट सेंटर अगर हम इसको सेंटर पे पेविट कर दें तो हमें यहाँ पे कितना वेट लगाना पड़ेगा मिनिमम ताकि ये पूरा इक्विलिब्रियम में हो जाए रेस्ट में हो जाए तो यहाँ पे कुछ ऐसा होता कि अगर आपका ये मीटर रूल है ऐसा ठीक ये 40 सेंटीमीटर वाला मार्क है ये 50 सेंटीमीटर वाला मार्क है और ये 100 सेंटीमीटर वाला मार्क है और ये जीरो कह रहा है यहाँ पे हमने इसको सस्पेंड मतलब वो कर दिया ठीक पिविट कर दिया इस सेंटर पर पिविट कर दिया तो अब यहाँ पर तो भाई इसका वेट लग रहा है कितना 50 ग्राम फोर्स वो इसको इस साइड क्लॉक इस, इस साइड टर्न करने की कोशिश करेगा एंटी क्लॉकवाइज तो हमें यहाँ पे मान लेते हैं हम एम मास सस्पेंड कर दे रहे हैं तो यहाँ पे देखो सम ऑफ समाइज इक्वल सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो जाएगा तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या है 50 इंटू ये ग्राम फोर्स है ये फोर्स हो जाएगा 50 इंटू फिफ्टी जी ठीक ये फोर्स है एक तरह का ठीक या इसको मास भी लिख सकते हो ग्रेविटेशनल फोर्स एक तरह का इसको मास भी लिख सकते हैं तो ये हो जाएगा फिफ्टी इंटू टेन ये डिस्टेंस कितना है टेन इक्वल्स एम मान लेते हैं हमने एम के जी एफ लगाया एम के जी एफ मास इज़ सस्पेंडेड हमने लेट कर लिया लेट एम के जी एफ मास इज़ सस्पेंडेड तो एम इंटू ये डिस्टेंस कितना है फिफ्टी ठीक तो यहाँ से निकाल लो फिफ्टी फिफ्टी कैंसिल सॉरी 50 से 50 कैंसिल तो M की वैल्यू आ जाएगी 10 के यानी तो 10 के मास जो होगा यहाँ पे सस्पेंड किया जाएगा ठीक 10 के नहीं जी सॉरी ग्राम फोर्स है ना सॉरी तो M ग्राम फोर्स तो ये M ग्राम फोर्स के नहीं ग्राम फोर्स होगा ठीक तो यहाँ पे मास कितना सस्पेंड होगा 10 ग्राम्स तो 10 ग्राम्स हमने मास सस्पेंड किया है तब जाके ये रेस्ट पे होगा तो इसका आंसर हो जाएगा 10 ग्राम्स 10 अगला देखो क्वेश्चन अ कार ऑफ मास 120 इज मूविंग स्पीड ऑफ एटीन किलोमीटर पर आर इट एक्सेलेट एंड अटेन स्पीड ऑफ फिफ्टी फोर किलोमीटर पर आर इन फाइव सेकेंड कैलकुलेट वर्क डन पार ऑफ द इंजन तो देखो क्वेश्चन में गिवेन क्या क्या है क्वेश्चन में मास गिवेन है 120. के जी फिर वेलोसिटी गिवेन है इनिशियल वेलोसिटी, ये किलोमीटर पर आर में दिए इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर देना ठीक किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं इसका मालूम होना चाहिए तुमको कि अगर 18 किलोमीटर पर आर है इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5 बाई एटीन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड ठीक अगर 54 किलोमीटर पर आर है ये इसको 5 बाई एटीन से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर पर सेकेंड में हो जाएगा तो ये हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड ठीक तो मैं ये डायरेक्ट कन्वर्टेड वैल्यू लिख दे रहा हूँ तुम लोग कन्वर्ट कर लेना यहाँ पे v1 की वैल्यू हो जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड v2 की वैल्यू हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड ठीक है और टाइम कितना दिया है फाइव सेकेंड्स ठीक तो फर्स्ट बोल रहा है कैलकुलेट वर्क डन तो तुम्हें पता है वर्क डन कैसे निकालोगे यहाँ पर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अकॉर्डिंग टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम वर्क एनर्जी थ्योरम बोलती है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स वर्क डन ठीक तो तुम्हें वर्क डन निकालना है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल लो हाफ एम वी वन स्क्वायर माइनस हाफ एम वी टू स्क्वायर ठीक वी वन माइनस वी टू है वी टू माइनस वी वन कर देना ये कर देना एम वी टू स्क्वायर माइनस हाफ एम वी वन स्क्वायर इक्वल्स वर्क डन तो वर्क डन आ जाएगा तो वर्क डन निकाल लो हाफ एम कॉमन ले लो वी टू स्क्वायर हो जाएगा टू ट्वेंटी फाइव फिफ्टीन का स्क्वायर करोगे भाई फिफ्टीन का स्क्वायर करोगे टू ट्वेंटी फाइव फाइव का स्क्वायर करोगे ट्वेंटी फाइव तो टू ट्वेंटी फाइव माइनस ट्वेंटी फाइव मास की वैल्यू लिख लेना वन ट्वेंटी मास की वैल्यू लिख लोगे वन ट्वेंटी क्वल वर्क डन तो वर्क डन के इक्वल आ जाएगा ठीक हमने स्क्वायर कर लिया ऑलरेडी इनका तो वर्क डन आ जाएगा तो वर्क डन से यो टू इंटू सिक्स और ये माइनस कर दोगे तो ये हो जाएगा टू तो वर्क डन आ जाएगा इंटू टू हंड्रेड विच विल बी ट्वेल्व थाउजेंड जूल तो वर्क डन आ गया पहले पार्ट का आंसर आ गया अगला पार्ट क्या बोल रहा है अगला पार्ट बोल रहा है कैलकुलेट द पार तो पार कैसे निकालोगे पार हो जाएगा वर्क डन अपॉन टाइम तो पार टाइम कितना दिया है फाइव सेकेंड दिया है ना हाँ फाइव सेकेंड तो निकाल लो ट्वेल्व थाउजेंड अपॉन फाइव निकाल लो भाई ये कितना हो जाएगा फाइव टू फोर ज़ीरो ज़ीरो ठीक हाँ तो ट्वेंटी फोर हंड्रेड वॉट तो ये आंसर आ जाएगा तुम्हारा तो यहाँ पे तुम्हारा पार का आंसर आ गया 2400 वॉट और एनर्ज वर्क का आंसर आ गया 12,000 जूल 12,000 जूल और 2400 वॉट ठीक तो ये हो जाएंगे इसके आंसर आगे देखो क्वेश्चन सेवन क्वेश्चन सेवन क्या है वॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड इज इफेक्टेड ड्यू टू लार्जर सरफेस ऑफ अ स्कूल बेल इसका आंसर होगा लाउडनेस अगर सरफेस लार्जर है तो लाउडनेस की वजह से ये इफेक्ट करेगा कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाई अल्ट्रासोनिक वेव हैविंग वेलासिटी ऑफ दिस टाइम दिस तो डिस्टेंस निकालना है तो मैंने तुम्हें कल ही इसका एक एग्जाम्पल बता दिया था अगर डिस्टेंस निकालना हो वेलोसिटी दी है 1.5 किलोमीटर पर सेकेंड दी है इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना तो ये हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड 1500 मीटर पर सेकेंड टाइम दिया है 14 सेकेंड तो मैंने बताया था टाइम को हाफ कर लेना क्योंकि तुम्हें जाने और आने दोनों का टाइम दिया है तुम्हें बस एक बार का टाइम चाहिए जाने वाला टाइम तो यहाँ पे इसका हाफ़ कर देना तो टाइम आ जाएगा तो डिस्टेंस इक्वल्स स्पीड इनटू टाइम तो स्पीड यहाँ पे कितनी दिया है फिफ्टीन हंड्रेड और टाइम यहाँ पे सेवन कर देना ये टी डैश ले, ले रहा हूँ ठीक टी डैश यहाँ पर क्यों किया मैंने टी बाई टू कर दिया ठीक फोर्टीन बाई टू विच इज़ सेवन सेकेंड क्योंकि हमें एक बार का टाइम चाहिए जाने भर का आने भर का नहीं चाहिए तो मल्टीप्लाई कर दो भाई ये कितना आ जाएगा 105.00 तो ये इतना मीटर आ जाएगा तो 105.00 मीटर ठीक तो 10.5 किलोमीटर भी लिख सकते हो फिर अगला है कंप्लीट द फॉलोइंग न्यूक्लियर चेंजेस तो ये न्यूक्लियर रिएक्शन कंप्लीट करनी है अब देखो यहाँ पे Q पे क्या आएगा अब तुम खुद देखो ये जो पहले इतना पार्ट रिएक्शन का कंसिडर करो कि टू ये इससे कुछ एलिमेंट निकला Q प्लस हीलियम जिसमें मास नंबर ही टू से फोर हटा दो पहले बचेगा कितना और 92 में से टू हटा दो माइनस कर दो टू कितना बचेगा नाइनटी तो Q एलिमेंट तो मिल गया तो ये हो जाएगा Q Q यहां पे मिल गया अब R बताना था R के लिए अगली रिएक्शन कंसिडर करो आर के लिए कंसिडर करोगे अगली रिएक्शन अगली रिएक्शन देख लो इतनी ये तो इत, इसके बाद है ना इसके बाद रुको ऐसे यहाँ पे कंसिडर करते हैं यहाँ पे ये यह हो जाएगा आर कुछ आएगा और प्लस इलेक्ट्रॉन आ रहा है माइनस वन तो अब देखो ये तो चला गया ये वाला जो होगा ये तो निकल गया अब इसका हमको नहीं देखना है अब इससे देखना है ठीक बस इसको इग्नोर करना हीलियम को इग्नोर करना बाकी देखना 234 थर्टी फोर यहाँ पर देखो मास नंबर में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो यहाँ पे 234 हो जाएगा मास नंबर में कोई चेंज नहीं हुआ अब देखो नाइन्टी ये माइनस वन है मतलब ये एक चार्ज माइनस वन मतलब समझ रहे हो यहाँ पे प्लस टू था तो हमने माइनस किया था है ना प्लस टू था तो इसको इससे माइनस किया था ठीक तो यह नाइन्टी आया था अब ये माइनस है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा नाइन्टी वन तो आर ये आ जाएगा ठीक तो क्यू ये है आर ये है तो ये दोनों आ जाएंगे आगे देखो नेम द न्यूक्लियर रेडिएशन विच हैज हाइएस्ट आयनाइजिंग पार तो अल्फा रेडिएशन हैव फिनोमिना लेट टू द्लियर विजिबिलिटी ऑफ चैनल रेजोनेस ठीक रेजोनेंस की डेफिनीशन लिखनी है उसके बाद रेजोनेंस की डेफिनीशन लिखना रेजोनेंस इज अ फिन वेन अ बॉडी वाइब्रेट वेन अ बॉडी इज अंडर फोर्स वाइब्रेशन एंड इट वाइब्रेट स्टार्टिंग अंडर नेचुरल वाइब्रेशन तो उसकी एम्पलीट्यूड इज़ इंक्रीज दैट फिनना इज नोन एज रेज तो रेजोनेंस का फिनना लिखना था गिव एनी वन मोर एग्ज़ाम्पल तो वन मोर एग्जाम्पल यू कैन राइट इट एज सोल्जर्स मार्चिंग ऑन अ ब्रिज तो दैट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ रेजोनेंस. ठीक और भी अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं कि अगर सोल्जर्स मार्च कर रहे हो ब्रिज पे या अलग अलग एग्जाम्पल बाइक का जो मोशन होता है वो हो गया तो अलग अलग एग्जाम्पल है एग्जाम्पल तुम लिख देना मतलब लिख ही दिया होगा अब लिख क्या देना मतलब वही है ठीक आगे देखो एक सेकेंड और इसमें तो और नहीं है ना कुछ हाँ नहीं आगे देखो अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन एट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिफाइन करो स्पेसिफिक तो रेजिस्टेंस यानी रेजिस्टिविटी इसकी डेफिनेशन थी द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ एंड पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका लिख सकते थे रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ठीक तो ये हो जाता स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वॉट हैपन्स टू द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इफ द लेंथ ऑफ कंडक्टर इज डबल नो चेंज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पे कोई चेंज नहीं आता है अगर आपकी लेंथ डबल कर दी जाए तो नेम द सब्सटेंस दबस्टेंस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रिमेंस ऑलमोस्ट अनचेंज तो इसका लिख सकते थे कॉन्स्टेंटिन ठीक स्पेलिंग देख लेना स्पेलिंग कैन बी रॉन्ग ठीक तो स्पेलिंग एक बार वेरीफाई कर दे रहा हूँ तुम्हारे लिए कॉन्स्टेंटिन uh, और मैंगलिन ऐसा कुछ लिख सकते हो मतलब लिखा ही होगा अगर तो इसका सही आंसर यही होगा कॉन्स्टेंटेन एंड मैंगनिन ठीक कॉन्स्टेंटेन और मैंगनिन ठीक ये थोड़ा सा मतलब वही है आउट ऑफ द बॉक्स या एकदम मतलब अंदर से एकदम दे दिया क्वेश्चन एकदम बुक से डायरेक्ट डीप दे दिया फिर अगला क्वेश्चन है विच न्यूक्लियर रेडिएशन विल ट्रैवल अनडेविएटेड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इसका आंसर होगा गामा रेडिएशन ठीक गामा रेज। हाउ कैन वन स्टॉप द रेडिएशन एस्केपिंग फ्रॉम अ न्यूक्लियर रिएक्टर इन अ न्यूक्लियर पावर प्लांट बाई अप्लाइंग अ लेड शील्ड शील्ड ठीक बाई अप्लाइंग थिक शील्ड थिक शील्ड ऑफ कॉन्क्रीट एंड लेड वॉल्स ठीक ऑफ कॉन्क्रीट एंड लेड वॉल्स शील्डिंग करी जाती है नेम वन इंटरनल सोर्स ऑफ बैकग्राउंड रेडिएशन तो इंटरनल सोर्स ऑफ बैकग्राउंड रेडिएशन बतानी है तो बताओ इसका क्या होगा तो इंटरनल सोर्स ऑफ बैकग्राउंड रेडिएशन में कुछ भी लिख सकते हो कार्बन फोर्टीन एक लिख सकते हो एक पोटेशियम लिख सकते हो पोटेशियम फोर्टी ठीक तो लिख सकते हो कार्बन फोर्टीन लिख दो या पोटेशियम फोर्टी लिख दो अब अगला क्वेश्चन देखो अगला क्वेश्चन क्या है भाई अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करेंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल ये दिया है अब फर्स्ट पार्ट है कैलकुलेट करेंट सेकेंड पार्ट है टर्मिनल वोल्टेज तो इसमें दिया क्या क्या है? लिख लो पहले ई एम एफ गिवन है थ्री पॉइंट फोर वोल्ट इंटरनल रेजिस्टेंस गिवेन है टू ओम अब ये पूरा रेजिस्टेंस निकाल लो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखो ये दोनों हो जाएंगे सीरीज में तो सीरीज़ में डायरेक्ट ऐड करोगे तो हो जाएगा थर्टी ओम और ये थर्टी ओम और थर्टी हम हो जाएंगे पैरल में तो इनको एड करोगे तो इक्वेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा ये कुछ ऐसा आएगा वन अपॉन थर्टी प्लस वन अपॉन थर्टी इसको एड करोगे तो फिफ्टीन ओम आ जाएगा तो यानी कैपिटल आर की वैल्यू आ जाएगी फिफ्टीन ओम फिर निकालना है तो हमें करेंट निकालना है आई की वैल्यू निकालनी है ठीक तो एक फॉर्मूला होता है क्या फॉर्मूला होता है आई इक्वल्स ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर फॉर्मुला अप्लाई कर दो करंट मिल जाएगा तो करंट यहां से कितना आ जाएगा 3.4 पॉइंट अपॉन कैपिटल आर हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 2 तो ये हो जाएगा 17 ये करंट आ जाएगा 0.2 पॉइंट तो करंट की वैल्यू तो आ गई भाई क्या आ रही है 0.2 पॉइंट तो पहला पार्ट तो हो गया अगला पार्ट बोला है टर्मिनल वोल्टेज निकालो टर्मिनल वोल्टेज कैसे निकालोगे भाई एक और फॉर्मूला होता है क्या फॉर्मूला होता है V इक्वल्स E माइनस आई आर ये होता है आई स्मॉल आर होता है तो अब ये सारी वैल्यूज रख दो आई की वैल्यू तुम्हें पता है क्वेश्चन में दी है मतलब तुमने अभी निकाल ली तो लिख लोगे थ्री पॉइंट फोर माइनस आई की वैल्यू रखी तुमने जीरो पॉइंट टू स्मॉल आर की वैल्यू रखी कैपिटल टू तो ये हो जाएगा जीरो पॉइंट फोर ये वी की वैल्यू आ जाएगी थ्री वोल्ट ठीक तो ऑप्शन बी का आंसर हो जाएगा थ्री वोल्ट तो ये हो जाएगा आगे देखो कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी क्वेश्चन नंबर नाइन कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर टू मेल्ट टू हंड्रेड ग्राम ऑफ आइस एट ज़ीरो डिग्री सेल्सियस टू वाटर एट हंड्रेड डिग्री सेल्सियस है ना रिकॉर्ड हो रहा है ना भाई हाँ रिकॉर्ड हो रहा है तो कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ हीट टू मेल्ट टू हंड्रेड ग्राम ऑफ आइस एट जीरो डिग्री सेल्सियस टू वाटर एट हंड्रेड डिग्री सेल्सियस तो देखो आइस पहले क्या होगी आइस जो ज़ीरो डिग्री सेल्सियस पे है वो पहले वाटर बनेगी ज़ीरो डिग्री सेल्सियस में इसका स्टेट चेंज होगा सॉलिड से लिक्विड बनेगी फिर जो वाटर होगा उसका टेम्परेचर राइज होगा हंड्रेड डिग्री सेल्सियस तक पहुंचते पहुंचते ठीक तो यहाँ पे आपको दो बार हीट एनर्जी निकालनी है एक बार हीट एनर्जी निकालोगे वेन आइस कन्वर्ट्स इन टू वाटर विच इज लेटेंट हीट और एक बार हीट निकालोगे विच इज़ इन राइजिंग द टेम्परेचर तो इसको ले लोगे Q2 तो यहाँ पे टोटल हीट आ जाएगी Q इक्वल्स क्यू वन प्लस क्यू टू क्यू वन प्लस क्यू टू हो जाएगी तो क्यू वन क्या हो जाएगी क्यू वन हो जाएगी एम इन टू एल स्पेसिफिक लेटेंट हीट है ना इन टू मास और प्लस और क्यू टू हो जाएगी एम सी डेल्टा टी है ना एम की वैल्यू टू हंड्रेड ग्राम्स रहेगी ठीक एल की वैल्यू कितनी है अब देखो यहाँ पे मास को कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी स्पेसिफिक लेटेंट हीट वग़ैरह है ये लोग पर ग्राम में ही दिए हुए हैं ये सारी वैल्यूज ये सारी वैल्यूज पर ग्राम में दी है तो मास को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं तो यहां पे m इन टू एल प्लस एम सी डेल्टा टी एल की वैल्यू गिवेन है क्वेश्चन में ये क्वेश्चन में l की वैल्यू गिवे है और ये क्वेश्चन में c की वैल्यू गिवन है ठीक डेल्टा t क्या हो जाएगा डेल्टा t हो जाएगा हंड्रेड क्योंकि जीरो से हंड्रेड पहुंचना है तो हंड्रेड डिग्री सेल्सियस इसका डेल्टा टी हो जाएगा बाकी मास की वैल्यू टू हंड्रेड गिवेन ही है तो यहां पर निकाल लो क्यू इक्वल्स एम कॉमन ले ले रहा हूं मैं एल की वैल्यू हो जाएगी 336 थर्टी सिक्स प्लस सी की वैल्यू हो जाएगी स्मॉल सी की 4.2 पॉइंट टू इंटू हंड्रेड तो फोर पॉइंट टू इंटू हंड्रेड कर दो ये कितना हो जाएगा फोर टू ज़ीरो ठीक फोर ट्वेंटी ये हो जाएगा ना फोर पॉइंट टू इंटू हंड्रेड हाँ फोर ट्वेंटी ठीक दोनों को ऐड कर दो मास की वैल्यू लिख दो यहाँ पे मास कितना था टू हंड्रेड तो हंड्रेड इंटू इनको एड कर दो तो ये हो जाएगा सिक्स फाइव सेवन सेवन फिफ्टी सिक्स इंटू टू हंड्रेड कर दो भाई क्या आ रहा है इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कैलकुलेटर है ना वन फाइव वन टू जीरो जीरो आ रहा है वन फाइव वन टू जीरो जीरो जूल तो ये आंसर आ जाएगा अब कह रहा है स्टेट प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या होता है द अमाउंट ऑफ हीट लॉस्ट इक्वल्स टू द अमाउंट ऑफ हीट गेंड बाय द बॉडी अज्यूमिंग दैट देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री लिख देना कि क्या होता है अमाउंट ऑफ हीट लॉस्ट इक्वल्स अमाउंट ऑफ हीट गेन मतलब लिख क्या देना तुम लोग लिख के ही आए होगे नेम द मटीरियल यूज फॉर मेकिंग कैलोरी मीटर इसका आंसर लिख दोगे कॉपर मतलब लिख देना था कॉपर मैं प्रेजेंट टेंस में मैं तुम्हें फ्यूचर टेंस में बता रहा हूँ राइट वन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मटीरियल चोजन फॉर मेकिंग कैलोरी मीटर मतलब ये जो कॉपर यूज़ किया है इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक बताओ कि हमने यही क्यों लिया कैलोरी मीटर में इसका सीधा सीधा आंसर लिखना था लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बिकॉज ऑफ लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लो होती है ठीक इसी वजह से हम ये मटेरियल यूज करते हैं ठीक आगे देखो अगला है देखो आखिरी क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन देखते हैं अच्छा क्वेश्चन था ये भी वेट अ सेकेंड क्वेश्चन है द डायग्राम बिलो शोज अ कार्डबोर्ड इन विच आयरन फिलिंग्स आर केप्ट अ वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ लूप सीन पासिंग थ्रू द वाइट थ्रू द कार्डबोर्ड बोर्ड द करेंट फ्लो द आयरन फिलिंग्स दे अरेंज फिल्सल्व एज शोन बिलो ठीक ये आयरन फिलिंग्स दिखाई हैं ये इस डायरेक्शन में चल रही हैं ये इस डायरेक्शन में चल रही हैं ठीक अब पहला पार्ट बोल रहा है स्टेट द पोलैरिटीज बिटवीन ए एंड बी ए और बी में पोलैरिटी बताओ पोलैरिटी कैसे बताओगे देखो यहाँ पे तुम्हारी जो आयरन फीलिंग्स है इस डायरेक्शन में चलनी एंटी क्लॉकवाइज देखो इस डायरेक्शन में है ना इस डायरेक्शन में तो यहां पे फ्लेमिंग्स फ्लेमिंग्स नहीं सॉरी राइट हैंड रूल लगाओ अगर तुम्हारा करंट इसमें ऊपर जा रहा हो तो तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड कैसे जाएगी ऐसे कल होगी तो यहां पे करंट जा रहा है ऊपर की ओर और, और यहां पे देखो तुम्हारा जो आयरन फीलिंग्स है इस डायरेक्शन में चलनी अगर करंट तुम्हारा नीचे की ओर जा रहा हो तो ये इस डायरेक्शन में चलने लगेगी है ना तुम्हारी फिंगर्स इस डायरेक्शन में कल होंगी तो यहाँ पे तुम इतनी बात समझ जाते अगर तुम राइट हैंड समल लगाते सही से तो यहाँ पे करंट ऊपर जा रहा था यहाँ पे करंट नीचे जा रहा था तो अगर करंट यहाँ से ऐसे जा रहा है तो मतलब ये कुछ ऐसे जा रहा होगा है ना यहाँ से निकला होगा ऐसे गया होगा फिर इधर से ऐसे चला गया होगा ऐसे गया होगा तो यानी ये टर्मिनल पॉजिटिव रहा होगा ये टर्मिनल नेगेटिव रहा होगा तो यहाँ पे पोलैरिटी तो मे मिल जाती ए की पोलैरिटी हो जाती पॉजिटिव और बी की पोलैरिटी हो जाती नेगेटिव तो ये लिखना था अगला देखो स्टेट द इफेक्ट ऑन मैग्नेटिक फील्ड इफ़ आयरन रॉड इज़ हेल्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ कॉल अगर यहाँ हम बीच में एक्सिस में एक आयरन रॉड लगा देते तो आयरन रॉड लगाते तो क्या होता मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाती तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता इंक्रीज हो जाती तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाती ये इसका इफ़ेक्ट होता फिर कह रहा है स्टेट वन वे टू चेंज द पोलैरिटी ऑफ कॉयल हमें इस कोयल की पोलैरिटी बदल अभी देखो करंट कैसे डायरेक्शन में क्लॉकवाइज यानी यहाँ पे पोलैरिटी है साउथ तो अगर मैं इसमें ये करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर दूँ तो पोलैरिटी चेंज हो जाएगी रिवर्स नॉर्थ पोलैरिटी हो जाएगी तो पोलैरिटी कैसे चेंज कर सकते थे ये ए और बी की पोलैरिटी रिवर्स कर दो बाई रिवर्सिंग द पोलैरिटी ऑफ ए एंड बी बाई रिवर्सिंग पोलैरिटी इन ए एंड बी तो ए और बी में सेल की पोलैरिटी या जो भी पोलैर सेल की पोलैरिटी है इलेक्ट्रिकल वाली उसको हमने रिवर्स कर दिया इन ए एंड बी तो ए और बी में हमने पोलैरिटी अगर रिवर्स कर दी तो आपकी ये रिवर्स हो जाएगी पोलैरिटी फिर कह रहा है डिक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड की अगर हमें स्ट्रेंथ घटानी हो स्ट्रेंथ घटानी हो तो हम करेंट डिक्रीज कर सकते हैं है ना अगर हम करेंट को डिक्रीज कर देंगे करेंट की वैल्यू कम कर दें तो स्ट्रेंथ अपने आप बढ़ जाएगी तो यहाँ पे करंट की वैल्यू कैसे कम करोगे रेजिस्टेंस इंक्रीज करके ये रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो करंट कम हो जाएगा तो यहां पे लिख सकते थे बाय डिक्रीजिंग करंट बाय डिक्रीजिंग करंट और बाय इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस मतलब ब्रैकेट में लिख देते ब्रैकेट में यही चीज लिख देते बाई इंक्रीजिंग द वेरिएबल रेजिस्टेंस ये जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है इसको इंक्रीज करके ठीक रेजिस्टेंस ठीक तो ये था पूरा तो ये था आपका पूरा पेपर का सॉल्यूशन, शुरू से लेके अंत तक तो मेरे ख्याल से समझ में आया होगा ये सारी चीज़ें थी अपने आंसर्स मैच करना देखना तुमने कितने सही किए कितने गलत किए पेपर अच्छा हुआ तो बहुत अच्छी बात नहीं अच्छा हुआ तो कोई बात नहीं अब अगला पेपर है अगले पेपर पे फोकस करो इस पेपर को जैसा जाना था ये गया मैंने तुम्हें बताया था कि भाई मॉडरेट पेपर आएगा और मॉडरेट पेपर आया पेपर बहुत इजी भी नहीं था बहुत डिफिकल्ट भी नहीं था ठीक है अगर तुमने पढ़ा है तो बहुत डिफिकल्ट नहीं था ठीक हाँ कुछ चीज़ें थी कि तुम्हें दिमाग लगाना पड़ा तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करना चाहिए था थोड़ा एप्लीकेटिव था पेपर बट हाँ ये कहूँगा कि ईजी भी तो नहीं था ईजी तो नहीं था डेफिनेटली नहीं था बट कठिन मैं कहूँ तो हार्ड भी नहीं था मॉडरेट था कुछ क्वेश्चन देखो बहुत बेसिक बेसिक आए थे पावर वगैरह के क्वेश्चन ऑप्टिक्स uh, के क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट हमने जो लाइव क्लास में किए हैं वही आ गए थे तो तो वो सब चीज़ें थी ठीक पढ़ा था तो जैसा भी गया हो। अच्छा गया हो तो बहुत अच्छी बात नहीं अच्छा गया तो अब आगे वाला जो पेपर आने वाला है आई एज्यूम केमिस्ट्री का पेपर है तो केमिस्ट्री के पेपर में अब जी जान लगा दो पूरा मेहनत कर दो और उसमें अपना स्कोर इंक्रीज करने के लिए मेहनत करो ठीक तब तक के लिए चलता हूँ गुड नाइट बाय बाय टाटा सी यू खुश रहो आबाद रहो जिंदाबाद बात